हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में और समझेंगे हीट की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हीट क्या होती है स्टूडेंट्स? हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। इट इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। इट इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। और जब भी कभी ये एनर्जी फ्लो करती है उसे कहा जाता है हीट। अब ये एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होती है वहां से हीट ट्रेवल करती है टूवर्ड्स द कोल्डर वन बॉडी, यानी जहां पर कोई ऑब्जेक्ट ठंडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यूटेंसिल लिया, ये यूटेंसिल हमारा गैस बर्नर पर रखा हुआ है और इसका हैंडल यहां पे है एंड दिस हैंडल इज मेड अप ऑफ आयरन और आपने इसको यहां से पकड़ा हुआ है। इस केस में क्या होगा कि जब आपने इस हैंडल को यहां से पकड़ा हुआ है और यहां से बर्नर के ऊपर ये यूटेंसिल रखा हुआ है, सबसे पहले यूटेंसिल गर्म होगा। गर्म होने के बाद यहां से की जो हीट है ये हीट ट्रेवल करती हुई जाएगी टूवर्ड्स द हैंडल और हैंडल जो कि पहले ठंडा था उसे भी गर्म कर देगी और गर्म करने की वजह से आपको यहां पे वार्मनेस फील होगी एट द हैंडल। इसी वजह से नॉर्मली हर यूटेंसिल्स के अंदर उसके हैंडल पे प्लास्टिक या वुडन या बेकलाइट का वहां पे हैंडल लगाया जाता है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई गर्म फील ना हो। तो ये है यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कि इट ट्रेवल्स ऑलवेज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर वन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट है इसका हीट का। सेकंड की बात करें, सेकंड का इफेक्ट होता है हीट का, हीट की वजह से क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन इज देयर। थर्मल एक्सपेंशन से मेरा क्या मतलब है, कोई भी चीज जिसको आप गर्म करोगे वह एक्सपैंड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉलिड आइस को गर्म किया तो उसके पार्टिकल्स काफी पास पास थे, जब आपने उसको गर्म किया वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लिक्विड वाटर। इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने के बाद आपने इसको फर्दर हीट किया, इट विल चेंज इनटू द गैसेस और वेपर। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो पहले बहुत पास पास थे वो चेंज हो जाते हैं इनटू लिक्विड पार्टिकल्स, थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। अगेन आपने लिक्विड को गर्म किया, उसको हीट दी, वो चेंज होके कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में और वेपर्स के अंदर हम जानते हैं पार्टिकल्स और भी दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन, जहां पे हीट की वजह से कोई चीज एक्सपैंड कर रही है। यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर रहे हैं इस एग्जांपल में। सिमिलरली हम देखते हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, जहां पर रेलवे के आयरन के ट्रैक्स होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड कर जाते हैं इन द समर सीजन ड्यू टू द हीट। तो अकॉर्डिंगली उसमें स्पेस मेंटेन करके रखनी पड़ती है ऑन द रेलवे ट्रैक्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से और क्या चेंज हो सकता है, हीट कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आइस से आप बना रहे हैं वाटर और वाटर से आप बना रहे हैं वेपर, तो यानी इसमें स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में कहा जाता है ये हीट की वजह से हो रहा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक केमिकल चेंज भी आता है। वो क्या केमिकल चेंज है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट, फॉर्मूला है KClO3। इसको मैं अगर हीट करूं, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, तो जब मैं इसके प्रेजेंस में हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। और जब मैं इसको बैलेंस करूंगा
तो बैलेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहां भी 2 आ जाएगा और यहां भी 2 आ जाएगा। तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। इसका मतलब मैंने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को हीट किया और हीट करने पे मुझे ऑक्सीजन मिली। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है केमिकल चेंज ड्यू टू हीट। ऐसे डिकम्पोजिशन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां हीट की वजह से कोई चीज टूटे, इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ केमिकल चेंज। अब कुछ और बात कर लेते हैं हीट के फ्लो के बारे में। हीट कैन फ्लो बाय 3 टाइप से हीट फ्लो कर सकती है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, एंड नंबर 3 रेडिएशन। अब कंडक्शन का क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको समझते हैं बारी बारी से। कंडक्शन होता है सॉलिड्स के अंदर। सॉलिड्स में हम जानते हैं पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। तो जब भी कभी हीट इसमें फ्लो करेगी तो वहां पे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और इनके वाइब्रेट करने की वजह से एनर्जी का या थर्मल एनर्जी का फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने यहां पर एक यूटेंसिल रखा है, अगेन सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और इसको आपने बर्नर की हेल्प से गर्म किया है। तो यूटेंसिल क्या है आपका, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो यूटेंसिल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो अपनी जगह वाइब्रेट करने लग जाएंगे ऑन गेटिंग द हीट। बिकॉज जैसे हीट इनको मिली, स्टार्टिंग में ये स्टेशनरी पार्टिकल्स थे, बट जैसे आपने हीट दी, दे विल कन्वर्ट देयर पोटेंशियल एनर्जी, गेट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, एंड दीज पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेट्स। क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स काफी क्लोज क्लोज होते हैं, इनको इधर उधर जाने की जगह नहीं मिलती, कहीं और ये जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक ही जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, दिस एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द अदर सॉलिड पार्टिकल्स। दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स में ही एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और धीरे धीरे आपका पूरा यूटेंसिल गर्म हो जाएगा, जहां जहां तक आपका मेटल का बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सॉलिड्स के अंदर देखी जाती है कंडक्शन, और कंडक्शन किस वजह से होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, और सॉलिड पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो उनके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और स्टार्टिंग में पहले कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन है, वो है हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुई बात कंडक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन बारे समझते हैं। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में बेसिकली हम लिक्विड्स में देखते हैं कन्वेक्शंस, एंड कुछ फ्लूइड्स में, कुछ गैसेस में भी देखते हैं, फ्लूइड्स एंड गैसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने यहां पे एक यूटेंसिल रखा, इसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं। गर्म करने पे क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये यूटेंसिल ही गर्म हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, जैसे मैं अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद नीचे वाली जो लेयर है पानी की, ये वाली लेयर, लोअर लेयर, लोअर लेयर ऑफ वाटर, सबसे पहले तो ये गर्म होगी। जैसे ही ये लोअर लेयर पानी गर्म हो जाएगी, अब यहां पे ये लोअर लेयर गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, और हल्की होके ये पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाली लेयर पे जो यहाँ पे ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, ये हैवियर रहते हैं, और हैवी होने की वजह से नीचे चले जाते हैं। और इस तरह से ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे और गर्म मॉलिक्यूल्स पानी के ऊपर चले जाते हैं, और कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है इनसाइड द यूटेंसिल, और इस तरह से आपका लिक्विड गर्म हो जाता है। तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे पार्टिकल्स एक्चुअली मूव एंड ट्रांसफर द हीट। यहां पे पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं
और हीट को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ये होता है कन्वेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडक्शन में ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि कंडक्शन में पार्टिकल्स काफी टाइटली पैक्ड थे, उनके पास इधर उधर जाने की जगह ही नहीं थी, तो वहां पे वो एक ही जगह खड़े होकर वाइब्रेट कर रहे थे। बट कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन में दे आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे आर ट्रांसफरिंग द हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ कन्वेक्शन। अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हीट का ट्रांसफर तो होता है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बट विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम, यानी इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सन, हम जानते हैं स्पेस में सन है, यूनिवर्स में, और सन से सारी सनलाइट हमारी अर्थ तक आ रही है। तो सन से जो सनलाइट अर्थ तक आ रही है वो आ रही है फ्रॉम द स्पेस। अब स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, इट इज कंप्लीटली वैक्यूम, तो वहां से सारी सारी हीट एनर्जी लाइट के फॉर्म में सीधा हमारे अर्थ तक पहुंचती है और हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, जहां पे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी मीडियम वी विल गेट द हीट एनर्जी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और हीट के इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मीडियम्स लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी के जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव।